नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम नेट हिंदी साहित्य के जितने भी नाटक हैं उनके पात्र परिचय और उनके वर्ण विषय की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम नेट के नाटकों के जितने भी नाटक हैं उनके पात्र परिचय और उनके वर्ण विषय की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला जो नाटक है वह है अंधेर नगरी, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सन 1881 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह जो है वो चार छोटे अंक में लिखा गया है। इसमें यह जो है एक प्रहसन नाटक है और इसको जो है भारतेंदु जी ने एक ही रात में लिखा है। जो है वो विवेकहीन और निरंकुश शासन व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। न्याय व्यवस्था की विसंगति का चित्रण जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। सामाजिक राजनीतिक विसंगति का चित्रण भी हमें देखने को इसमें मिलता है। अब पहले हम इसके जो अलग अलग दृश्य हैं जहाँ ये अभिनीत हुआ है, इसके अलग अलग दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला दृश्य जो है वो है बाह्य प्रांत, दूसरा है द्वितीय दृश्य बाजार, तृतीय दृश्य है इसका जंगल, चौथा है राज्यसभा, पांचवा है अरण्य और छठा है शमशान। तो नेट के क्वेश्चन में जो है वो पिछले बार आ चुका है कि जो अंधेर नगरी है उसका अंतिम दृश्य कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनकी सीक्वेंस भी याद रखनी हमें बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके पात्र जो है वह है महंत, जो कि एक विवेकशील चतुर और साहसी साधु होता है। गोवर्धन दास, जो कि संत का लोभी शिष्य होता है महंत का। नारायण दास महंत का दूसरा शिष्य है। कबाब वाला, घासी राम, हलवाई, कुजरिन और मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया राजा जो कि चौपट राजा है नाम, मंत्री, दो नौकर और एक फरियादी। अगला पात्र है इसका कल्लू। कल्लू बनिया है जिसकी दीवार से बकरी मरी थी। कारीगर, चूने वाला, भिश्ती, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल और राजा के चार सिपाही, ये सब जो है वो अंधेर नगरी के पात्र हैं। अगला नाटक है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा सन 1875 ईस्वी में लिखा गया था। तो यह भी जो है वो छः अंकों का नाटक है। इसमें जो है हमें प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण हमें देखने को इसमें मिलता है। भारत की दुर्दशा का जो कारण है, बाह्य कारण, अंग्रेजी सत्ता की शोषणकारी प्रवृत्ति, और इसके जो आंतरिक कारण हैं वह धर्म, संतोष और आलस्य, मदिरा, रोग, अज्ञान। तो ये सब जो है इसके आंतरिक कारण हैं कि भारत दुर्दशा का बाह्य कारण क्या है और आंतरिक कारण क्या है। तो ये भी नाम ज़रूर ध्यान में रखें। तो इसमें जो है हमें भारत की जो दुर्दशा है उसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। भारत की तत्कालीन जो स्थिति है उसके माध्यम से हमें इसमें समझाया गया है। भीम सिंह ने जो है इसे हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना है और यह जो है वो एक दुखांत नाटक है, क्योंकि इसके लास्ट में जो है भारत भागी जो है वो आत्महत्या कर लेता है। इसमें जो है नव जागरण की चेतना व राष्ट्रीय बोध की बात भी हुई है। वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों का हमें इसमें चित्रण देखने को मिलता है। इसमें जो है हमें वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों का चित्रण देखने को मिलता है। हमारी अगले इसके जो अब मुख्य पात्रों की चर्चा कर लें तो योगी, भारत भाग्य, आशा और इसके अलावा है भारत, जो कि इसका नायक है और भारत का, भारत देश का प्रतीक है। भारत दुर्देव, जो कि इसका खलनायक है। तो अगर परीक्षा में पूछा जाए कि भारत दुर्देव जो है या फिर भारत दुर्दशा का खलनायक कौन है,
तो भारत दुर्देव जो है वो भारत दुर्दशा का खलनायक है। इसके अलावा जो पात्र है वो है सत्यनाश, फौजदार भारत दुर्देव का सहायक व विश्वसनीय पात्र। भारत दुर्देव के जो अन्य सहायक हैं वह है रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। अब है सात सभ्यजन भी हैं इसमें, वो हैं सभापति, बंगाली, महाराष्ट्रीय, एडिटर, कवि, एक देशी महाशय और एक दूसरा देशी महाशय। इसके अलावा है डिसलॉयल्टी, तो ये सब इसके पात्र हैं। इसमें जो है कुल अंक जो है वो 6 हैं, जिसमें कुल पात्र जो है वो 19 हैं। तो इसके पहले अंक में जो है वो योगी है, योगी आता है। दूसरे अंक में जो है वो भारत, निर्लज्जता और आशा। तीसरे अंक में जो हमें भारत दुर्देव और सत्यनाश फौजदार आते दिखाई देते हैं। चौथे अंक में रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार आते हैं। पांचवे अंक में सात सभ्यजन और डिसलॉयल्टी आती है। छठे अंक में भारत भाग्य आता है। तो कई बार हमें ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं कि कौन से अंक में कौन आता है, तो इन सीक्वेंस को भी याद रखना ज़रूरी है कि कौन से अंक में हमें कौन सी चीज़ आई है। अगला जो नाटक है वह है चंद्रगुप्त, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया ऐतिहासिक नाटक है, जिसकी रचना सन 1931 ईस्वी में हुई है। तो यह जो है वो 4 अंक का नाटक है। पहले अंक में जो है वो 11 दृश्य हैं, दूसरे अंक में 10 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 9 दृश्य हैं, चौथे अंक में जो है वो 14 दृश्य हैं और इसमें जो है वो 13 गीत भी हैं। तो यह जो है वो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के इतिहास का वर्णन है। यह एक ऐतिहासिक नाटक है। राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, द्वेष, घृणा, बलिदान, राष्ट्रप्रेम का भाव आदि हमें देखने को इसमें मिलता है। अतीत के कथा के माध्यम से जो है वो वर्तमान संकट का जो हमें चित्रण मिलता है। इसमें जो है वो 3 घटना का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। अलशिंद्र पर आक्रमण, नंदकुल की पराजय, सेल्युकस का पराभव। तो ये जो है वो 3 कहानियाँ जो है इसमें उल्लिखित हैं। इसके प्रमुख पात्रों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इसके पुरुष पात्र देते हैं। तो पहला है चाणक्य, जो विष्णुगुप्त नाम भी है जिसका। वो मौर्य साम्राज्य का जो है वो निर्माता है। चंद्रगुप्त जो कि मौर्य सम्राट है, नंद मगध सम्राट, राक्षस मगध का अमात्य, वररुचि कात्यायन मगध का अमात्य, शकटार मगध का मंत्री, आम्भिक तक्षशिला का राजकुमार, सिंहरण मालव गणराज्य का कुमार। तो एक इसमें से नाम जो है वो भी याद रखने जरूरी है। सिंहरण नाम से जो है वो परीक्षा में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि सिंहरण किस नाटक का पात्र है। अगला जो पात्र है वो है पर्वत शिखर, पंजाब का राजा, पोरस, सिकंदर ग्रीक विजेता, फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रिय क्षत्रप, मौर्य सेनापति, चंद्रगुप्त का पिता, देववल, नागदत्त, गणमुख्य, मालव गणतंत्र के पदाधिकारी, गांधार नरेश जो कि आम्भिक के पिता हैं, सेल्युकस सिकंदर का सेनापति। तो ये सब इसके मुख्य पात्र हैं। अब इसके नारी पात्रों की ओर आते हैं। अलका जो कि तक्षशिला की राजकुमारी हैं, सुवासिनी शकटार की कन्या है, कल्याणी मगध राजकुमारी है, नीला लीला जो कि कल्याणी की सहेलियां है, मालविका सिंधु देश की राजकुमारी है, कार्णलीला सेल्युकस की कन्या है, बेटी है, मौर्य पत्नी चंद्रगुप्त की माता है। तो ये सब जो इसके चंद्रगुप्त के पात्र थे। अब आते हैं नाटक स्कंदगुप्त की ओर, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा सन 1928 ईस्वी में लिखा गया था। तो यह जो है वो 5 अंक का है और इसमें जो है टोटल 33 दृश्य हैं। पहला दृश्य जो है, पहला अंक जो है वो 7 दृश्यों का है, दूसरा अंक 7 दृश्य है, तीसरा अंक 6 दृश्य हैं, चौथा अंक 7 दृश्य है, पाँचवा अंक 6 दृश्य है। इसमें जो इसकी विषय वस्तु है वह है गुप्त वंश के शासक स्कंद गुप्त के चरित्र को केंद्र बनाकर जो है वो ये नाटक लिखा गया है।
राष्ट्र भावना, देश प्रेम और मानव मूल्यों की जो है स्थापना इसमें की गई है। इतिहास के माध्यम से वर्तमान की जो समस्या है उन समस्याओं का हमें इसमें चित्रण देखने को मिलता है। हिंदी नव जागरण के समय की ये रचना है। राष्ट्र एकीकरण, स्त्री पुरुष समानता आदि की बातें जो है हमें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके मुख्य पात्र, पहले सबसे पहले हम इसके पुरुष पात्र लेते हैं। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, गोविंदगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधु शर्मा, भीम वर्मा, मातृगुप्त, प्रपंच बुद्धि, शर्पनाग, वायुसेना, पुरगुप्त, भटार्क, पृथ्वीसेन, मुद्गल प्रख्यात कीर्ति। तो ये सब जो है इसके मुख्य पात्र है। इसमें से जो है वो अगर क्वेश्चंस की बात करें पिछले वर्ष के नेट के क्वेश्चंस की, तो पर्णदत्त, बंधु वर्मा, प्रपंच बुद्धि, शर्वनाग, तो ये सब जो नाम है इन नामों से पिछले नेट के वर्ष जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें इन नामों से क्वेश्चंस आ चुके हैं। इनके स्त्री पात्र देखते हैं। देवकी, देवसेना, विजया, अनंत देवी, जयमाला, कमला, रामा, मालिनी, तो ये सब जो है वो इसके स्त्री पात्र हैं। अगले नाटक की ओर आते हैं, वह है ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया 1928 ईस्वी में। तो यह जो है वो 3 अंकों का नाटक है। यह जो है प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और श्रेष्ठ नाटक है। गुप्त काल से संबंधित ये नाटक है। नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लगन की जो है समस्या, उसका विवरण जो है हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। पुरुष सत्तात्मक समाज में शोषण के प्रति नारी की जो स्थिति होती है और उसका विद्रोह होता है, उसका चित्रण हमें इस कहानी में, इस नाटक में देखने को मिलता है। शिक्षा के माध्यम से जो वर्तमान काल की जो समस्या है, जो नारी की स्थिति है और उसका विद्रोह है, उन सब का चित्रण हमें इस में दिखाया गया है। अब इसके जो मुख्य पात्र है, सबसे पहले इसके स्त्री पात्र हम देखते हैं, वह है ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। इसके पुरुष पात्र हैं रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, खेंगेल, मेहरदेव और पुरोहित, तो ये सब जो इसके पुरुष पात्र हैं। अब इसके अन्य पात्र हैं जड़ाबोना, कुबरा, प्रतिहारी, खड़गचारिणी, सामंत कुमार, शक सावंत, तो ये सब जो है इसके पात्र थे। अगला जो हमारा नाटक है वह है अंधा युग, धर्मवीर भारती के द्वारा 1955 ईस्वी में लिखा गया था। यह जो है वो 5 अंक का नाटक है। इसके पहले जो अंक है उसमें हमें कौरव नगरी का वर्णन मिलता है, दूसरे अंक में पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य अंतराल है, इसके बाद पंख, पहिए और पट्टियाँ, चौथा अंक इसका है गांधारी का शाप, पांचवा अंक है विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और समापन जो है वो इसका, इस नाटक का जो समापन है वो है प्रभु की मृत्यु। और इसकी विषय वस्तु क्या है, महाभारत के 18वें दिन के जो संध्या है उससे लेकर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तक का चित्रण जो है हमें इस कहानी, इस नाटक में देखने को मिलता है। महाभारत की कथा को लेकर आधुनिक समस्या का जो है इसमें चित्रण देखने को मिलता है। युद्ध की विभीषिका और उसके जो परिणाम निकलते हैं उसका वर्णन हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। घृणा, प्रतिशोध, हताशा, मूल्यहीनता, क्षणवादिता, कुंठा, विकृति आदि का वर्णन जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसके पात्र हैं अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, बलराम और व्यास। अगला जो नाटक है वह है सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल के द्वारा 1934 ईस्वी में लिखी गई। तो यह जो है वो 3 अंक का नाटक है। कथा की अवधि जो है वो 12 से 13 घंटे की ही मात्र है।
यह जो है वो नायिका प्रधान नाटक है। इसमें जो है निस्वार्थ व आदर्श प्रेम का चित्रण हमें देखने को मिलता है। भ्रष्टाचारी कानून व्यवस्था का चित्रण भी हमें देखने को इसमें मिलता है। मनोरमा का, वैधव्य का समर्थन व चंद्रकला का प्रेम का समर्थन। मनोरमा जो है एक विधवा स्त्री है और वो उसी 8 वर्ष में उसका विवाह होता है और 10 वर्ष में वो विधवा हो जाती है। तो वो जो है वो अपनी को इसी जीवन में स्वीकार करती है और इसी को इसी का समर्थन करती है, जबकि चंद्रकला जो है वो शिक्षित नारी है और वो प्रेम का समर्थन करती है। विधवा विवाह का प्रश्न इस नाटक में उठाया गया है। गुनहगारी प्रवृत्ति को बढ़ावा, ये सब इस नाटक के जो विषय वस्तु हैं। अब इसके पात्र जो है वो है रजनीकांत, रमापति का पुत्र है, चंद्रकला का प्रेमी है। मनोज शंकर मुरारी लाल के मित्र का बेटा मनोरमा से प्रेम करता है। मुरारी लाल डिप्टी कलेक्टर है। माहिर अली मुरारी लाल का मुंशी है। भगवान सिंह पहले मजिस्ट्रेट था, फिर राय साहब बन जाता है। हरनंदन सिंह चंद्रकला जो कि इसकी मुख्य पात्र है, मुरारी लाल की बेटी है और एक शिक्षित नारी है। मनोरमा विधवा है, डॉक्टर, ये सब इसके पात्र हैं। जो नाटक है वह आधे अधूरे मोहन राकेश के द्वारा 1969 में लिखा गया है। तो इसमें जो है अंक जो है वो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो, इसी दो में विभाजित है। तो यह जो है वो धर्मयुग पत्रिका में 3 अंक में ये प्रकाशित हुआ। इसमें जो है मध्यवर्गीय परिवार में आए जो बदलाव हैं उनका चित्रण हमें देखने को मिलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जो इसकी कहानी की नायिका है सावित्री, वो अलग अलग व्यक्तियों के संपर्क में जाती है लेकिन उसे कहीं भी वो पूर्णता नहीं मिलती, सब उसे वो आधे अधूरे ही लगते हैं। इन्हीं सब का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव व तनाव, इसका चित्रण हमें देखने को मिलता है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का चित्रण हमें देखने को मिलता है। कुंठित युवा वर्ग की पीड़ा का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। पारिवारिक विघटन की समस्या वो भी हमें देखने को मिलती है कि कैसे पूरा परिवार जो है वो बिखर जाता है, तो ये समस्या भी हमें इसमें देखने को मिलती है। अब इसके जो पात्र है वह है सावित्री जो नायिका है और महेंद्र नाथ की पत्नी है। महेंद्र नाथ, इसमें जो व्यक्तियों का परिचय है वो पहला पुरुष, दूसरा पुरुष, तीसरा पुरुष, चौथा पुरुष, इस ऐसे करके बताया गया है। तो इसमें जो पहला महेंद्र नाथ है वो पहला पुरुष है, सावित्री का पति है और कहानी में जो काले सूट वाले व्यक्ति का वर्णन हुआ है वो यही होता है। सिंघानिया दूसरा पुरुष है, जगमोहन तीसरा पुरुष है, जुनेजा चौथा पुरुष है, अशोक जो कि सावित्री का बेटा है, बिन्नी बड़ी लड़की है और एक छोटी लड़की है। नाटक है वह आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश के द्वारा 1958 में लिखा गया है। यह जो है वो 3 अंक का नाटक है और ये जो है वो कालिदास के जीवन पर आधारित है। तो परीक्षा में ये क्वेश्चन आ भी चुका है कितनी बार कि कालिदास के जीवन पर आधारित जो है वो कहानी जो नाटक है वो कौन सा है। तो आषाढ़ का एक दिन जो है वो कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। इसमें जो है वो स्त्री पुरुष संबंध का वर्णन है। रंगनी संगनी के माध्यम से शोध, जो शोध प्रक्रिया होती है उस पर व्यंग किया गया है। अनुस्वार अनुनासिक के माध्यम से भारतीय नौकरशाही पर व्यंग किया गया है। मल्लिका के मुक्त प्रेम का वर्णन हुआ है। राजनीति संरक्षण का द्वंद्व। अब इसके मुख्य पात्र हैं अंबिका, गांव की एक वृद्धा है, कालिदास कवि, मल्लिका वृद्धा की पुत्री है। तो एक एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और आ भी सकता है कि मल्लिका किस नाटक की प्रमुख पात्र है। तो मल्लिका जो है वो आषाढ़ का एक दिन के पात्र है। विलोम के बारे में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो विलोम जो है वो ग्राम का पुरुष है। मातुल कवि है, रंगू मंजरी राजकन्या है,
कवि की पत्नी है। दंतुल राज पुरुष है, निक्षेप ग्राम पुरुष, रंगिनी नागरी है, संगनी नागरी है, अनुस्वार अधिकारी है, अनुनासिक अधिकारी है। आगरा बाजार हबीब तनवीर के द्वारा सन 1954 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह जो है वो 2 अंक का नाटक है। इसका स्थान जो है वो आगरा के किनारी बाजार का एक चौराहा है। नज़ीर अकबराबादी के जनवादी पहलू को इसमें प्रतिष्ठित किया गया है। उनकी जो कविताएं हैं उसका वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। लोक जीवन का चित्रण है। साहित्य, साहित्यकारों, प्रकाशन, बिक्री आदि पर जो है वो हमें व्यंग देखने को मिलता है। पुलिस व्यवस्था की लापरवाही, बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, वैश्यवृत्ति आदि समस्याओं का जो हमें चित्रण इसमें देखने को मिलता है। शायरों के जीवन का चित्रण भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अब इसके जो मुख्य पात्र हैं, के पहले अंक के जो पात्र हैं वह है फकीर, लड्डू वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, ककड़ी वाला, पान वाला, बर्तन वाला, अजनबी शायर, हमजोली ग्राहक, बेनजीर, शोहदा, लड़का, करीमन, चमेली, मदारी, दर्जी, रामू पंसारी, दरोगा, नवासी, तमाशबीन। तो ये सब जो है इसके पहले अंक के पात्र हैं। इसके अंक 2 के पात्र हैं पतंग वाला, हमीद, अंधा भिखारी, एक आदमी, बेनी प्रसाद, सिपाही और सारंगिया। ये सब इसके पात्र 2 के पात्र हैं। अगला जो नाटक है वह है बकरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा सन 1974 ईस्वी में लिखा गया है। तो यह भी जो है वो 2 अंक का नाटक है। पहले अंक में इसमें हमें 3 दृश्य देखने को मिलते हैं और इसके दूसरे अंक में भी जो है वो 3 दृश्य ही देखने को मिलते हैं। तो यह जो है वो राजनीतिक व्यंग का जो है हमें इसमें चित्रण मिलता है। जनवादी चेतना की बात है, आम आदमी की जो व्यथा होती है उसका विवरण है, भ्रष्टाचार व विसंगति का चित्रण हमें इसमें देखने को मिलता है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। तो अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन आए कि बकरी जो है, बकरी जो नाटक है उसमें बकरी किस चीज़ का प्रतीक है, तो बकरी जो है वो आम आदमी का प्रतीक है। ईश्वर के प्रति लोगों की जो श्रद्धा है उसका वर्णन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है नट, नटी, भिष्टी। तो इसमें जो है दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर, ये तीनों जो है वो अधर्मी होते हैं, शोषण करने वाले होते हैं और नेतागिरी का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये तीनों जो है इन सब चीज़ों, शोषण प्रवृत्ति के लोग हैं और नेतागिरी को प्रतिनिधि करते हैं। अगला है सिपाही विपत्ति, जिसकी बकरी होती है। नवयुवक, काका, काकी, चाचा राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। अगला जो नाटक है वह है एक और द्रोणाचार्य, जो कि शंकर शेष के द्वारा 1977 ईस्वी में लिखा गया है। यह 2 भागों में विभाजित है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में जो है इसके 4 दृश्य हैं, उत्तरार्ध में जो है इसके 7 दृश्य हैं। तो इसमें जो है वो वर्तमान शिक्षक, यहाँ पे विकर्षक हो गया, वैसे ही शिक्षक है, तो वर्तमान शिक्षक की तुलना द्रोणाचार्य से की गई है, जिसने शिक्षक को अन्याय सहने की प्रेरणा दी। पौराणिक कथा के माध्यम से जो है वो आधुनिक समस्या का हल ढूंढने की जो कोशिश की गई है, इसका विवरण हमें इसमें देखने को मिलता है। यह जो है वो दोहरे कथानक वाला नाटक है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में आ भी चुका है और आ भी सकता है कि दोहरे कथानक पर चलने वाला, समांतर कथानक पर चलने वाला, जो जिसमें 2 कथानक एक साथ चल रही हो, वो नाटक कौन सा है? तो एक और द्रोणाचार्य। शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण भी हम इसमें देखने को मिलता है। अब नाटक के जो पात्र हैं वह है, सबसे पहले हम इसके आधुनिक पात्र हैं उसको देखते हैं। अरविंद प्रोफेसर है, लीला अरविंद की पत्नी है, विमलेंदु अरविंद का मरा हुआ दोस्त है, यदु अरविंद का मित्र है, चंदू जो कि छात्र है, अनुराधा चंदू की प्रेमिका है, इसके अलावा प्रेसिडेंट है, और राजकुमार जो कि प्रेसिडेंट का बेटा है।
अब पौराणिक पात्र जो है वो है द्रोणाचार्य, एकलव्य, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, युधिष्ठिर और सैनिक। अगला जो नाटक है वह है अंजो दीदी, जो कि उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा सन 1955 ईस्वी में लिखा गया है। इसमें भी जो है हमें दो अंक मिलते हैं, पहला अंक तीन दृश्य का है और दूसरा अंक भी तीन दृश्य का है। यह जो है वो मनोवैज्ञानिक व सामाजिक नाटक है। जीवन में को यांत्रिकता में ढालने की जो प्रवृत्ति है उसका विवरण हमें इस नाटक में देखने को मिलता है। नारी के कठोर नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या, तो जो इसमें अंजो दीदी होती है वो सबको यांत्रिक बना के कि एक टाइम पे क्या करना है, सब लोगों का जीवन जो है उसने अपने कंट्रोल में कर रखा होता है और टाइम से ही सब कुछ करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, तो इन्हीं सब का जो चित्रण है वो इसमें देखने को मिलता है। नारी प्रधान नाटक है ये, ज़बरदस्ती कार्य थोपे जाने का जो दुष्परिणाम है वो हमें देखने को मिलता है कि उसके इस व्यवहार से जो है परिवार का कोई भी सदस्य खुश नहीं रहता। अहमवादिता एवं अनुशासन प्रिय स्त्री का हमें चित्रण इसमें देखने को मिलता है। तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि अनुशासन प्रिय स्त्री का विवरण कौन सी कहा नाटक में है, तो वो है अंजो दीदी का। तो इसके जो मुख्य पात्र है वो है अंजलि यानी कि अंजो दीदी, मुख्य पात्र है अनुशासित स्त्री है, इंद्र नारायण वकील है और अंजो का पति है, नीरज अंजो का बेटा है 11 वर्ष का है, अणिमा अंजो की बहन है, श्रीपत अंजलि का भाई है, उचित मार्गदर्शक भी है उसका, नजीर नीरज का दोस्त होता है, राघु जो कि नौकर है, मुन्नी नौकरानी है, ओमी और नील ये सिर्फ इसके पात्र हैं। अगला जो नाटक है वो है महाभोज, मन्नु भंडारी के द्वारा लिखा गया सन 1983 ईस्वी में। तो सर्वप्रथम यह जो है वो उपन्यास रूप में 1979 ईस्वी को लिखा गया और बाद में यह नाटक रूप में सन 1983 में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो है टोटल जो है इस नाटक में 11 दृश्य है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सरोहा गांव का इसमें चित्रण हुआ है, गरीबों की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है, राजनीतिक षड्यंत्र का इसमें हमें चित्रण देखने को मिलता है, चुनावी दांवपेच का अंकन हुआ है, भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था, बिकाऊ मीडिया आदि का चित्रण हमें देखने को मिलता है, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, शोषण, दोहरी नीति का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। इस नाटक का जो अंत है वो संघर्ष और विरोध के साथ हुआ है। और इसके मुख्य पात्र हैं विशेष सर यानी कि बीसू जो उसका मुख्य पात्र है और हरिजन का हमदर्द है। हीरा बीसू के पिता हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद बिंदा, रुकमा बिंदा की पत्नी है, दास साहब जो कि मुख्यमंत्री है, दासिव अत्रे सत्ताधारी पार्टी का जो है वो अध्यक्ष होता है, जोरावर दास साहब का सहयोगी है, सकुल बाबू सत्यता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, दूसरी पार्टी के प्रतिनिधि होते हैं, लखन सिंह पार्टी का प्रत्याशी है, दास साहब का विश्वास पात्र है, लोचन भैया विधायकों के जो मुखिया हैं, सक्सेना पुलिस अध्यक्ष हैं अधीक्षक हैं, दत्ता बाबू मशाल समाचार पत्र के संपादक हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे नेट के जो नाटक हैं, जितने भी नाटक हैं उसके पात्र परिचय और उसकी वर्ण विषय उसकी विषय वस्तु की चर्चा। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो आप सभी को अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं आप सभी को ज़रूर मिले। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।